नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पीजी के फाइनली डेट शीट आने के बाद यूजी फॉर्म के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो बच्चे हैं 12वीं एग्जाम दे चुके हैं, कुछ लोग अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और बीच बीच में बार बार अपने पोर्टल को चेक कर रहे हैं, यूट्यूब पे जाके चेक कर रहे हैं, कुछ न्यूज के हेडलाइंस पढ़ रहे हैं कि यार ये यूजी वाला फॉर्म अभी तक आया क्यों नहीं है। सो फाइनली आप सभी लोग अब आज से फॉर्म भरने की पूरी कोशिश कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, जब फॉर्म आता है तो फॉर्म को तुरंत नहीं फिलअप करना चाहिए। ये फॉर्म अवेलेबल हो चुका है। इस फॉर्म का जो लिंक है फिलअप करने का, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके इस फॉर्म की वेबसाइट पर चले जाना, क्योंकि गूगल पे सर्च करने पर भी मिल नहीं रहा है, वेबसाइट नहीं बनी है। तो प्लीज आप लोग इस लिंक को फॉलो करके फॉर्म फिलअप करना। दूसरी बात ये है कि इस फॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और तीसरी बात यह है कि फॉर्म को प्लीज अभी मत फिलअप करना जब तक ये फॉर्म पूरा अच्छे से काम नहीं करने लगता है। बेसिकली होता है क्या है, नए नए पोर्टल्स बनाए जाते हैं और पूरे जो उसके डैशबोर्ड है वो विजिबल नहीं होते हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी 27 तारीख से अवेलेबल हो चुका है। ये 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो अप्रॉक्स 1 महीने 30 दिन के साथ आपको ये दिया जा रहा है और 26 मार्च तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट डेडलाइन है वो उसी दिन का रात्रि का समय दिया जा रहा है। करेक्शन का डेट 28, यानी 2 दिन का करेक्शन विंडो आपको दिया जा रहा है। और एग्जाम डेट भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है, 15 मई से आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। कहने का मतलब ये है, इन सबके बीच में जो गैप है वो लगभग मुझे लग रहा है आपके पास 75 से 80 दिन है। मतलब किसी को 75 डेज मिल सकता है और किसी को 80 डेज मिल सकता है आपके प्रिपरेशन के लिए यहां से। तो आई थिंक आपके पास एनफ समय है, आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, आपने जो एग्जाम सिटी है वो 30 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा और एग्जाम सिटी आप ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक कर पाओगे। इसके उसके बाद बिफोर 3 डेज आप एग्जाम यू विल गेट योर एडमिट कार्ड, यानी आपका जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, वो आपके दिए गए एग्जाम तिथि से 3 दिन पहले ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि इनका कहना है कि 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15 को ही सबका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है। जिसका एग्जाम 31 को होगा उसका यानी कि 27 से 26 के आसपास आ जाएगा, जिसका 15 को होगा इसका मतलब ये 7 तारीख के बाद आने की संभावनाएं रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि लगभग 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे कि आप अपने सेंटर पे रीच आउट आराम से कर सको। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पेमेंट्स वगैरह बताए गए, यानी फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स को, टोटल 6 सब्जेक्ट्स ही आप फिलअप कर पाओगे। आप पहला 3 सब्जेक्ट्स यानी कोर्स कोड आप चूज करते हो तो आपको 1000 फॉर जनरल कैंडिडेट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 900, एसटीएससी पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप के लिए 800। ठीक है, और उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट्स ईच के लिए 400 ईच के लिए, यानी अब आपके पास 3 और जो एडिशनल है उसके लिए आपको 400 पे करना पड़ेगा। तो काफी कॉस्टली यहाँ पे नजर आ रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा कास्ट है, इस पे बाद में मैं डिस्कस करूंगा। EWS OBC के लिए 375 और 350 STSC PH के लिए। आजकल तो कैलकुलेशन इन लोग का बड़ा गंदा हो गया है, गैप जो है बराबर ही कर दो इससे अच्छा क्या फालतू वो माइंड में एक मेंटेलिटी क्रिएट करना है कि अरे देखो हम लोग कम कर दे रहे, अरे 200 रुपए कम करके कौन सा उखाड़ लिया, इससे अच्छा बराबर करो भाई, सब बराबरी के अपने हिस्से का जो जिंदगी है वो सही। बहरहाल तो फाइनली आप फिलअप फॉर्म आज आपका 27 है, आप लोग एकदम शुद्ध दिन से शुरू करो, 1 तारीख से, यानी फर्स्ट ऑफ मार्च से अपना फॉर्म जो है फिलअप करना शुरू करना। अभी आप बस वीडियोस देखो लोगों के, लोग कहाँ का, ये नहीं कि किसी का यूट्यूब वीडियो देखा और उड़ते हुए जाके फॉर्म फिलअप कर दिया, कई बार गलती हो जाता है। और प्लीज ये साइबर वाले भैया से बच के रहना, कई बार लोगों के जो साइबर वाले भैया होते हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा यूपीपी के एग्जाम में सनी लियोन के फोटोज वायरल हो रहे हैं, उसके नाम वायरल हो रहे हैं, तो प्लीज ये कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब मजाकिया तौर पर भी लोग ले लेते हैं और कई बार लोग से जानबूझ के नहीं अनजाने में हो जाता है। तो प्लीज आप लोग अवेयर रहना, अभी मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कब फिलअप करना है और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप लोग फॉर्म अभी मत फिलअप करना। 1 तारीख को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो दे दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं एवरीथिंग आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा। इवन ये जो इंपॉर्टेंट है ना एडिशनल सब्जेक्ट्स एडिशन, ये 3 कैसे लेने हैं, क्यों लेने हैं, आप अगर आर्ट से आते हो, ह्यूमैनिटीज से आते हो, लाइक कॉमर्स से आते हो, मैथ से आते हो, बायो से आते हो, आपका एम क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज फॉर्म जल्दबाजी में ना फिलअप करें, बस माइंड में इतना भर लो
ठीक है, माइंड में इतना रख लो कि आपका ये जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि अभी अपडेट हो रहा है, यहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस दे रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, लेकिन अभी आप कुछ मत करो, ठीक है। अभी आप बस अलग अलग प्लेटफॉर्म के वीडियोस देख सकते हो। हाँ, अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप कॉल करके आराम से अपनी काउंसलिंग कराओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी काउंसलिंग कराओ, अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग कराओ, देन आपको कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, बहुत से शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक डू शेयर, इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव, बहुत सही शुभकामनाएं।